अरे सना, आप यहाँ क्या? मैं शॉपिंग नहीं कर सकती? ऑलपर्स? नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप भी ऑलपर्स इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल, मैं ऑलपर्स का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हो, क्यों? जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं दिल में, खास तौर पर ये कि इसमें ताजे खुले दूध वाली अच्छाई होती ही नहीं। बाय द वे, माय नेम इज आमिर। हेलो आमिर। ये कंफ्यूजन आमिर मुझे भी था, मैं भी एक अरसे तक यही सोचती रही कि क्या मुझे खुला दूध इस्तेमाल करना चाहिए या ऑलपर्स का इंतखाब करना चाहिए, और ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू डोंट नो द फैक्ट्स। लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बाद मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि ऑलपर्स में भरपूर गजाइत है। आप तो ये सब कर सकती हैं, मगर मगर क्या? अगर तुम भी सच्चाई जानना चाहते हो तो इस सच के सफर में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? आमिर ने ऑलपर्स की हकीकत जानने का सफर शुरू कर दिया है, और इस सफर में उसका पहला पड़ाव होगा ऑलपर्स का अपना डेयरी फार्म, जो कि नारा में वाक़ है। नारा फार्म न सिर्फ वसी और रीज बल्कि बैन अवी तर्ज पे तामीर करता एक बेहतरीन फैसिलिटी है। हमारे इस फार्म पे जानवरों की सेहत और नशोनुमा का नहायत उम्दा ख्याल रखा जाता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए दूध को बिना इंसानी हाथ लगाए कलेक्ट किया जाता है। नारा फार्म पर मौजूद तमाम जानवर आला नस्ल के हैं, और इनसे हासिल शुदा दूध हर लिहाज से बेहतरीन और किसी भी किस्म के हॉर्मोन्स या मिलावट से पाक है। अपने डेयरी फार्म्स के अलावा ऑलपर्स रोजाना 45,000 फार्मर्स से भी दूध हासिल करता है। रहमत चाचा का फार्म उन हजारों फार्म्स में से एक है। रहमत चाचा, लोग कहते हैं कि जानवरों को हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो एग्रो क्वालिटी का मेयार किस तरह बरकरार रखता है? ओ नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारा फार्म मंजूर करने से पहले बकायदा उसका इंस्पेक्शन होता है। जब हम अपनी भैंसों का दूध लेकर मिल्क कलेक्शन सेंटर पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो चाचा, यहाँ कहाँ है मिल्क कलेक्शन सेंटर? और बहू, मैं तेरे साथ बंदा भेजता हूँ। ओए शौकी, अब बहू वाला ऑल पर मिल्क कलेक्शन सेंटर पे छोड़ गया। मिल्क कलेक्शन सेंटर पर इब्तदाई क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट के जरिए दूध की खुशबू, जायका, चिकनाई, टेम्परेचर, पानी की शरह वगैरह को जांचा जाता है, ताकि दूध की ताजगी और मयार को यकीनी बनाया जा सके। प्लांट पर पहुंचने के बाद दूध को बहुत सारे इम्पोर्टेंट टेस्ट से गुजारा जाता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो दूध ऑलपर्स लोगों तक पहुंचा रहा है वो सबसे बेहतरीन मयार का है। प्लांट पर किए जाने वाले 28 टेस्ट में से 5 मुनफरद टेस्ट ऐसे हैं जो दूध में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट को चेक करने के हवाले से खास अहमियत रखते हैं। इन टेस्ट के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि अप्रूव होने वाला दूध किसी भी किस्म की मिलावट, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से मुकम्मल तौर पर पाक है। इतने सख्त टेस्ट, क्या वाकई दूध की क्वालिटी का इतना ख्याल रखा जाता है? आमिर, एक एक कतरे का प्रोसेसिंग के दौरान दूध को 3 मुख्तलिफ और मखसूस मराहिल पैस्चराइजेशन, होमोजनाइजेशन और न्यूट्री हीट से गुजारा जाता है। हर डेयरी प्रोडक्ट में पैथोजेंस होते हैं, यानी इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से मुख्तलिफ अमराज हो सकते हैं। पैस्चराइजेशन के जरिए दूध को 75 डिग्री पे 16 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ताकि ये पैथोजेंस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। आपने अक्सर लोगों को ये सवाल करते सुना होगा कि जब वो ऑलपर्स दूध को उबालते हैं उसमें बलाई ऊपर नहीं आती। एग्जैक्टली, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होमोजनाइजेशन की वजह से होता है, यानी दूध में शामिल फैट को पूरे दूध में बराबर तकसीम कर दिया जाता है, ताकि दूध का हर घूंट गजाइत से भरपूर हो। पैस्चराइजेशन और होमोजनाइजेशन के बाद दूध न्यूट्री हीट के अमल से गुजरता है। इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ 2 सेकंड के लिए दूध को 140 डिग्री पर गर्म करके फौरन ही ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दूध में मौजूद तमाम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। हम घर पर भी जरासीम के खात्मे के लिए खुला दूध उबालते हैं,
तो फिर ये ऑल पर न्यूट्री हीट और घर पर दूध उबालने में क्या फर्क है? घरों में दूध को तकरीबन 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की आंच पर उबाला जाता है। इतनी हरारत से दूध में मौजूद बैक्टीरिया तो यकीनी तौर पर खत्म हो जाते हैं, मगर साथ ही साथ दूध में मौजूद अहम विटामिंस का भी 36% तक खात्मा हो जाता है। ये विटामिंस खास तौर पर बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। तभी तो ऑल्पर्स के न्यूट्री हीट प्रोसेस से सिर्फ बैक्टीरिया का खात्मा होता है, न्यूट्रिशन का नहीं। वेलकम टू आवर ऑल्पर्स फिलिंग फैसिलिटी। अब इस सेहत अफजा दूध को महफूज तरीके से पैक करना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इन पैक्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए दूध में कुछ मिलाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, ऑल्पर्स बिना किसी प्रिजर्वेटिव के पैक होता है और हम इस बात की जमानत देते हैं। अच्छा, तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक कैसे बरकरार रहती है? ये सवाल अक्सर किया जाता है। ऑल्पर्स 2 ग्लोबल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी टेट्रा पैक और इकोलीन इस्तेमाल करता है, जो कि पूरी तरह एसेप्टिकली सील होती हैं। इन पैकेजिंग से दूध हवा, रोशनी और हर किस्म की आलूदगी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं, अगर ऑल्पर्स के पैक को आप खोलने के बाद बाहर छोड़ दें तो ये भी आम दूध की तरह कुछ देर में खराब हो जाएगा। अब हर लिहाज से बेहतरीन और महफूज ऑल्पर्स अपने सफर की आखिरी मंजिल के लिए तैयार है, यानी कि आप और मुझ तक पहुंचने के लिए। चलिए आमिर, ऑल्पर्स अब हमारे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल, अब ये आखिरी मरहला खत्म होने के बाद ही मेरा सफर मुकम्मल होगा। से रवाना हुआ था बहुत से सवालात और शक शुभात लेकर, मगर उसकी वापसी हुई यकीन और भरपूर गजायत के साथ। तभी तो हम जमानत देते हैं कि ऑल्पर्स दूध की कुदरती गजायत को बरकरार रखता है। ऑल्पर्स, रिजायत भरा हर खून।